फिर देखेंगे ये वीडियो, ये जो है ना ये सीपी गया हूँ दिल्ली कनॉट प्लेस, वहाँ पे भी है यही बिल्डिंग, यही होटल। मतलब देखिए इंडिया में इतना स्टेबल हो गया। मैं 2008 में गया था तो इससे ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी ज्यादा साफ है। कम से कम ये पाकिस्तान तो नहीं हो सकता। क्यों? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम आवाज के साथ, मैं हूँ आपकी होस्ट सैंडी। ये तो नाज़रीन आपको बताते चलूँ कि मेरा आज का मोड ये है कि मैंने लोगों को एक वीडियो दिखानी है एक कंट्री की और उनसे रिएक्शन लेना है, क्या फिर उनको ऐसा क्या लगता है कि ये मुल्क कौन सा हो सकता है। तो आइए हम आपसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। क्या कह रहे हैं आप? कराची लगता है। क्यों? इस तरह की बिल्डिंग्स और वो सारा सिस्टम वहाँ भी है। अच्छा, मैंने सुना था कराची के हालात तो बहुत खराब जा रहे हैं और आप कह रहे हैं इसको देख के कराची मुझे लग रहे हैं। ये हालात का कंस्ट्रक्शन से क्या? अच्छा, तो यानी कि आपको ये कराची लग रहा है, इस्लामाबाद क्यों नहीं लग रहा? इस्लामाबाद भी है लेकिन ये कराची लग रहा है क्योंकि इसकी बिल्डिंग जो है कराची में ज्यादा है। लेकिन इतना साफ नहीं है ना कराची में, तो गंदगी ज्यादा है। नहीं नहीं, कुछ एरिया है वो तो किसी भी पाकिस्तान के अलावा किसी भी सिटी में जाइए कुछ रूरल एरिया कुछ एरियाज है। अच्छा, तो आपने ये कराची बोला, क्या सोच कर बोला कराची? कराची में मैंने ऐसी बिल्डिंग देखी है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि ये कराची नहीं है फिर इस्लामाबाद है, लाहौर में भी ऐसी बिल्डिंग बन रही है। यानी कि आपका सोचना ये है कि ऐसी ये जो सड़कें बिल्डिंग है ये लाहौर पाकिस्तान में भी है? जी, रियाया में चले जाए DHM। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताते चलूँगी ये पाकिस्तान नहीं है। अच्छा, ये कोई और कंट्री है। अब आप बताए कौन सी है? वो तो नहीं आइडिया मुझे, लेकिन ऐसी अभी राइविंड वाली साइड पे Zameen.com वालों ने तकरीबन काफी प्रोजेक्ट शुरू किए हैं इस लेवल पे। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि आपको पाकिस्तान के अलावा कौन सी कंट्री है जो इस टाइम इतनी वेल सेटेड है? पाकिस्तान के अलावा कनाडा है, कनाडा यूएसए है, सिंगापुर है। अच्छा, क्यों कनाडा और यूएसए क्यों? बस अगर हम कनाडा और यूएसए का कंपैरिजन करें तो फिर पाकिस्तान तो इस लेवल पे नहीं आ रहा ना। पाकिस्तान का लेवल हम लोगों ने नीचे गिराया। कैसे ऊपर आएगा? वो ऐसे आएगा कि पहले मैं सही हूँ, फिर आप सही हो, फिर बाकी भी सही हो। जब तक आवाम नहीं सही, हजरत अली का गोल है ना, जैसी आवाम वैसा हुक्मरान। बिल्कुल ऐसा ही है, मिल तो गए। नहीं, मिला नहीं अभी, मिल गए। यानी कि ये मेरा ख्याल है कि ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बाकी जो जितने भी है ना सबसे बेहतर है, मेरा ख्याल नजरिया। हाँ, हर किसी का नजरिया अलग है। कंसल्टेंट हम फरमाते हैं कि आपको जितने भी लोग हो ना जिनको आपने चुनना हो उनमें से जो आपके दिल को बेहतर ऑप्शन लगे उसके लिए आप उसको वोट दें। तो मेरा ख्याल है कि मेरी नजरिए में हाँ वो बेहतर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी नज़र में ये कनाडा है? जी, जी। मैं आपको बताती चलूँ कि ये कनाडा भी नहीं है, ये यूएसए भी नहीं है, ये पाकिस्तान भी नहीं है, ये है बेंगलोर। गए कभी आपने विजिट? मैं सीपी गया हूँ दिल्ली कनॉट प्लेस, वहाँ पे भी है यही बिल्डिंग, यही होटल। मतलब देखिए इंडिया में इतना स्टेबल हो गया है। मैं 2008 में गया था तो इससे ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी ज्यादा साफ है। आप ये इंडिया न्यू दिल्ली जो है ना सीपी कनॉट प्लेस बोलते हैं उसको, आप वहाँ पे चले जाए आप ये नहीं कह सकते मैं इंडिया में हूँ। आप कहेंगे मैं यूरोप में हूँ या किसी को नहीं, मतलब इतना उसमें चेंज आ गया। 2008 की बात करो, अब यानी कि उसमें इम्प्रूवमेंट आई होगी पहले से। अब तो बंदा कहे कि हम अमेरिका में चले गए इंडिया जाके। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो ये बेंगलोर है, क्या कहेंगे कि अभी मैं बताती चलूँ, बेंगलोर की इस टाइम जो है ना पॉपुलेशन वो 1 करोड़ है, उससे ज्यादा ही लगा लें आप। जी जी, तो देखिए इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है उनकी, लेकिन फिर भी इतना अच्छा उन्होंने बनाया है, इतना वेल सेटल है, फुल फर्निश्ड है, क्या कहेंगे? यहाँ पे भी प्रोजेक्ट काफी, DHA में आप चले जाए, राया चले जाए, अभी ये रायवेंड पे लेक सिटी हो गया, उसके ऑपोजिट अभी राया बनना शुरू बनने लगा, Zameen.com वालों का प्रोजेक्ट है वो देख लें आप। उसके अलावा बहुत से प्रोजेक्ट है कि पाकिस्तान में भी हो रहा है काफी। अच्छा, डायमंड में काफी, यानी कि उस रोड पे ना काफी ज्यादा प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। अच्छा, एक और बात, हाँ जी, और एक और बात बताती चलूँ कि इंडिया के जितने भी
38% जो एक्सपोर्ट है ना वो बेंगलोर कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। असल में इंडिया की आप सिर्फ यानी कि आप जो है ना पॉइंट्स वो बता रही हैं जो उनके गुड है। मैंने वहाँ पे जाकर देखा है, देखने को लगता है कि वो बड़ा बेरोजगारी है। अभी मैं दिल्ली में जामा मस्जिद के पास स्टे किया, मैं हर होटल के बाहर ना 200-300 लोग भीख मांग रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी ऐसा सिस्टम है, जो अच्छे एरिया हैं अच्छे हैं, जो यानी कि ये हम लोगों ने इसको हरा दिया है। हमें चाहिए कि हम फकीर को पैसे देने की बजाय उसको किसी काम पे लगाएं। अच्छा। हम चाहते हैं कि हम 10 रुपए 10 रुपए दे, उसे मांगने की आदत लग जाएगी। रात को वो 5000 रुपया को मांगे जाता है। सर देखिए इसमें किस तरीके से सड़कें साफ है, रात में लाइटिंग कितनी है, और फिर ऑरेंज लाइन की ट्रेन चल रही है, क्या लग रहा है कि ये कौन सी कंट्री हो सकती है? कम अज कम ये पाकिस्तान तो नहीं हो सकता। क्यों? इतने साफ लोग नहीं है हम। अपने आप को ऐसा कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं शामिल हूँ इनमें। अच्छा, मैं शामिल हूँ। तो आपने पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया? क्या लाहौर साफ सुथरा नहीं है? हम खुद साफ नहीं है, लाहौर और पाकिस्तान ने क्या साफ होना है, हम खुद साफ नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है हम साफ? हमारी नेचर ही ना है। अच्छा, नेचर नहीं है हमारी। हम लोग बहुत ज्यादा काहिल हो गए हैं। अच्छा। अपना कूड़ा दूसरे के घर के आगे रख देते हैं, उसको किसी सही जगह पे ड्रॉ नहीं करते। अभी यहाँ से मैं च्युइंगम खाऊंगा, उसका रैपर आपको फेंकूंगा। हम लोग एक और चीज है। अच्छा। तो भी और है। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं, आपने कहा पाकिस्तान तो ये है नहीं, फिर कौन सी कंट्री है ये? आई एम नॉट श्योर। कोई गेस करते हैं, किसी भी कंट्री का नाम दे दें। दुबई टाइप हो सकता है। दुबई? दुबई का क्या रीजन है? दुबई में जब हम लोग यहाँ से 2 घंटे 10 मिनट की मुसाफत में जाते हैं ना, जब दुबई पहुँचते हैं तो फिर हम कानून को भी फॉलो करते हैं, हम सफाई का भी ख्याल रखते हैं, और अब वहाँ पे जाकर मिजाज ही चेंज हो जाता है। यहाँ और यहाँ हम पाकिस्तान में कोई सफाई का ख्याल नहीं करते। पाकिस्तान में हम देखते नहीं जो हो रहा है, बस ठीक है, खुद भी उसमें हिस्सा डाल देते, गंद डाल लेते हिस्सा डाल देते। अच्छा सर, आपको बताती चलूँ कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये है बेंगलोर। बेंगलोर? बेंगलोर इंडिया का जो, वेरी गुड वेरी गुड। इंडिया इतना स्टेबल हो गया, इतना साफ सुथरा हो गया, दोनों मुल्क साथ आजाद हुए। बिल्कुल साथ आजाद हुए। हमसे बाद में आजाद होने वाला बांग्लादेश, वो हमसे आगे है, वो आगे निकल गया है। तो इंडिया की तो बात ही छोड़ दे, बाद में हुआ। वो तो बात। सर क्या रीजन हो सकती है कि इंडिया इतना स्टेबल हो गया है, कि वो इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना रहा है और वो प्रोजेक्ट भी काफी अच्छे कर रहा है, क्या रीजन है? वो रीजन तो साफ जाहिर है ना, कि वो जो उनके हुक्मरान है वो आवाम के साथ फेयर है, और जो कौम है वो अपने मुल्क के साथ फेयर है। और ये बात पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान ना हम लोग अपने मुल्क के साथ फेयर है, ना सियासतदान के साथ फेयर है। अच्छा, तो अब पाकिस्तान को जलील भी हो रहे हैं, इसीलिए जलील भी हो रहे हैं। सर पाकिस्तान को अपने आप को इतना अच्छा करने के लिए, इतना वेल सेटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्या करे वो? जिस तरह सियासतदान कानून बनाते हैं ना आवाम के लिए, कि आवाम को इस तरह मारो, अपने लिए एहतसाब का कानून बनाएं। अच्छा। कि हमने इससे आगे नहीं जाना, और आवाम को सहूलतें दे, जो खुद सहूलतें इस्तेमाल कर रहे हैं वो आवाम को दे, फिर आवाम से ले, फिर आवाम भी खुशी से उनको देगी। मुल्क चलाने के लिए हर बंदा तैयार खड़ा होगा। अच्छा सर, ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है, इसमें ना बेसिकली बात ये भी है कि बेंगलोर के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा वहाँ की आवाम है, ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी ये है कि वहाँ पर जो है ना 38% जो इंडिया का है ना एक्सपोर्ट है वो बेंगलोर कर रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, 38% वो बेंगलोर करता है, वो एक्सपोर्ट करता है, वो उससे अर्निंग होती है, मुल्क स्टेबल होता है। हमारे यहाँ पे सिस्टम ही नहीं है एक्सपोर्ट करने का, पता ही नहीं, हम बस ले जा रहे हैं। असल में हमें सिर्फ ये होता है कि हम ले आए, तो मुझे इसमें से नफा मिला, मैं फटाफट ले आऊं। हम सिर्फ और सिर्फ ज़राअत की तरफ देख लें, एग्रीकल्चर की तरफ देख लें, उसकी तरफ हुक्मरान तवज्जो कर लें, और वो एक्सपोर्ट होनी शुरू हो जाए, आपको दुनिया का कोई मुल्क पकड़ नहीं सकता, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। क्या लगता है कि इन फ्यूचर पाकिस्तान इंडिया से आगे निकल पाएगा? नो। बाय।
इसमें ना सियासतदान चाहिए, सियासतदान चेंज होने चाहिए, लीडर चाहिए हमें, जो लीडर हमें लेके चले। क्या लगता है आपकी नजर में कौन सा ऐसा सियासतदान है जो आकर? सियासतदान तो इनमें से कोई नहीं है, नहीं है। वो अल्लाह कोई ना कोई ऐसा भेज देगा, कायदे आजम आए थे जस्ट लाइक ईरान के लिए अल्लाह ने भेजा था ना, कमीनी साहब भेजे ना इमाम खुमैनी, हमारे लिए भी कोई आएगा, हमारे लिए भी आएगा। वो कौम को भी मारेगा, बहुत मारेगा कौम, और सही करेगा, कौम को भी मारेगा, सियासतदानों को भी मारेगा जो करप्ट लोग। अब ये क्या कानून हुआ कि सियासतदान करप्शन करे 50 लाख की तो वो कोई करप्शन नहीं, और एक बंदा साइकिल चोरी कर ले, साइकिल वो चोरी है, ये तो कोई बात नहीं। आप लोग ना हमारा साथ दे, आप मीडिया मीडिया के लोग हैं, आप हमारा साथ दे, हमारे साथ मिलके हमारी आए, ताकि हम लोग इकट्ठे होके इस पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएं। जो आप चाहते हैं ना कि इन फ्यूचर पाकिस्तान बहुत अच्छा होगा, वो इसी तरह होगा, आप और मैं मिलके काम करें। चले सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी तो नाजीन, आपने सुनी है लोगों की राय कि आखिर उन्होंने उस वीडियो को देखने के बाद अपने क्या रद्द अमल दिया और क्या क्या कहा है कि एक कंट्री के बारे में कि पाकिस्तान में ये चीज है या नहीं है या फिर किसी और कंट्री में है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपके साथ अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अल्लाह।